काम में मन नहीं लगता, ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है, तो चलिए कुछ ऐसे तरीके समझते हैं जिनसे हम डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकें। थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, ध्यान भटक जाता है। बहुत देर तक काम करने बैठे हैं लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ये सभी समस्याओं का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इन दो शब्दों के पीछे का अगर सही मतलब है तो वो है कि आपके सोचे हुए सारे काम आपके सोचे हुए समय में पूरे हो जाएं। और इन्हीं चीज़ों पर अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब देते हुए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना जरूरी है क्योंकि वो एक ऐसा टाइम स्टीलर है। अगर आपके शेड्यूल में घुस गया उसके बाद आपके शेड्यूल को, आपके आउटपुट को, आपके प्रोडक्टिविटी को तितर बितर कर देता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन पर काम करने के कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका जो मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो शेयर करने से पहले बता दूँ कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जैसे ही कोई एक टेक्निक को इस्तेमाल करें, आप अपना एक्सपीरियंस खुद जनरेट करें ताकि उससे क्या आउटकम आपको मिल रहा है और उसमें क्या बदलाव चाहिए वो आप चेक कर सकें। सबसे पहला तरीका है अपना माहौल बनाना है। आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, आप अपने माहौल को क्रिएट कीजिए जिसमें आपको काम करना पसंद है। हो सकता है कि आपके आसपास में जो कलर्स हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके आसपास में जो भी आवाज़ें क्रिएट कर रही है, टेलीविजन हो, मोबाइल फोन हो, उन सभी को कैसे दूर करना है या आपका वर्क प्लेस उनसे दूर कैसा होगा। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी आ गई है जो डिस्ट्रैक्शन को, आपके बाहर से आने वाली आवाज़ को दूर कर देते हैं। बस आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें आपके सराउंडिंग में लगा लेना है। तो पहला तरीका, अपना माहौल बनाइए। दूसरा तरीका, एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। पूरे दिन के कामों की लिस्ट बनाइए, किस काम को कितना समय देना है वो लिख लीजिए। इससे आपका टाइम आपके हिसाब से मैनेज होगा और आपके सोचे हुए टाइम पर आपका दिन खत्म होगा। जैसे ही आप टाइम टेबल बना लेंगे, हमारे ब्रेन को एक मैसेज मिल जाता है, इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये काम है, इतने बजे तक ये काम पूरा होना चाहिए। और आप धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करेंगे कि वो काम हमारे सोचे हुए टाइम पे पूरा क्यों नहीं हुआ। और ये लर्निंग आपके आने वाले कामों में, आने वाले दिनों में आपको मदद करेगी। होता क्या है, बहुत बार हम सिर्फ कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि सोचे हुए टाइम पे काम पूरे नहीं होते, लेकिन वहाँ से सीखना शुरू नहीं करते और बस वहीं पर हम अटक जाते हैं। तीसरा तरीका, आपके कामों को टुकड़ों में करें। लंबे काम जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका ब्रेन धीरे धीरे उस काम को करते करते बोर होने लग जाता है और फिर हम उस काम को टालना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना उन लंबे कामों को हम ब्रेक कर दें। उन सभी लंबे कामों को आप छोटे छोटे काम में डिस्ट्रीब्यूट करके आधा घंटे का, 25 मिनट के कामों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बड़े ही आसानी से आपके लंबे कामों को बिना प्रोक्रास्टिनेट किए, बिना आगे धकेले आप उन्हें पूरा कर लेते हैं। इस तरह से आपका फोकस भी रहता है, प्लस वो जो बोर्डम है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उसको आपके शेड्यूल में से दूर करना शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। चौथा तरीका, आपके उन सभी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को आपको दूर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फोन। होता क्या है, कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से आपको याद आया कि यार मैंने वो पोस्ट किया था उस ग्रुप में, किसी का तो रिप्लाई आ गया होगा। देखिए, आप काम कर रहे हैं, आप काम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपका ध्यान चला गया आपके उस एक्टिविटी पे जिसको अभी अगर आप चेक नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या उस टाइम पे आपके फोन को आप कोई ऐसी जगह पे रख दें जहां
आपका हाथ नहीं पहुंचे, और अगर मन भी करता है तो आप देखते हैं कि अच्छा हाँ, मैंने जानबूझ करके उसे दूर रखा था ताकि मैं उस पर जा करके अपने कामों से डिस्टर्ब ना हो। ये एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया। आपके सराउंडिंग में, आपके हैबिट्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको फोकस से दूर करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, वो आप देखिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, खुद को इनाम देना शुरू कर दीजिए। कोई काम पूरा करने के बाद आप खुद को इनाम दीजिए, चाहे वो आपके फेवरेट जगह पर जाकर के चाय पीना हो, चाहे आपका फेवरेट गाना सुनना हो, चाहे किसी खास दोस्त से बात करना हो। जो भी ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है, वो आप आपको तभी देंगे जब आप कोई एक टास्क या पूरे दिन भर में 3 टास्क 5 टास्क डिस्ट्रैक्ट हुए बिना आप पूरे कर लेंगे, तब जाकर के आप अपने आप को वो इनाम देते हैं। दोस्तों ये 5 तरीके ऐसे हैं जो बड़े ही आसानी से इम्प्लीमेंट होते हैं और मेरे क्लाइंट के लाइफ में ये बदलाव लाने में कारगर साबित हुए हैं। मैं नहीं कहता कि आपके लाइफ में ये 5 तरीके काम करेंगे, कोई एक तरीका जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उससे आप शुरू कीजिए, ताकि आप खुद चेक कर सकें कि क्या बदलाव आ रहा है और क्या नहीं। एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। हमारे जो क्रिकेट के भगवान है, जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। क्या आपने कभी सोचा कि सचिन तेंदुलकर इतने महान एक्चुअल में कैसे बने? ऐसी कौन सी हैबिट उनके पास थी जिसकी वजह से वो क्रिकेट फील्ड में फोकसली काम कर पाते थे, फोकसली अपने शॉट्स को ड्राइव कर पाते थे और बड़े स्कोर्स कर पाते थे? अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो मैच के दौरान, मैच शुरू होने से पहले या मैच खत्म होने के बाद अपने फोन्स को काफ़ी अवॉइड करते थे। वो ऐसी कोई भी न्यूज़ रीड नहीं करते थे जो उनको नेगेटिव बनाए। अपने फ़ोन पे ऐसा कोई भी बातचीत या फ़ोन को दूर करने से वो उन सभी स्ट्रेस से दूर हो जाते थे जो उनको आ सकते थे। उससे क्या होता था, उनका जो ब्रेन था जो एक्चुअली फोकस करता है वो साइलेंट था। जो मैं कहता हूँ ना, माहौल बनाना शुरू कीजिए, उनका वो साइलेंट माहौल ही उनके फोकस के लिए काम करता था। अब हर एक जन कहता है कि सचिन आज 100 बनाएगा, आज 150 बनाएगा। दोस्तों लेकिन सचिन तेंदुलकर खुद कभी ये नहीं सोचते थे कि मुझे आज 100 बनाने या 150 बनाने। उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता था कि अगले 10 बॉल्स जो मैं खेलने वाला हूँ उसमें कितने रन बनाने हैं। 12 20, स्पिनर्स है तो 24, बस उतना ही टारगेट लेकर के वो चलते थे और उतने रन्स बनाने के बाद अगला टारगेट सेट करते थे। बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसे तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कौन सा एक तरीका आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा ये आप डिसाइड कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर करके उसकी लाइफ को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक तरीका आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा तो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।